हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा एक MI 43 इंच का एंड्रॉयड टीवी है। मॉडल नंबर स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो मेन पीसीबी देख रहे हैं ना, एक कैसे आप रिपेयर करेंगे, इसका कहां पर कौन सा वोल्टेज है, किसका बाद कौन सा वोल्टेज जनरेट होगा, कहां पर जाएंगे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे तो आप इजीली इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये सेट अभी स्टैंड बाई कंडीशन में है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसका अंदर PFC भी है, ये हमारा PFC MOSFET है, PFC ट्रांसफार्मर है, और ये हमारा मेन SMPS चॉपर है, और ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर कॉयल है, ठीक है, ये हमारा डायोड है। तो सबसे पहले देखो, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए दोस्तों, ये दोनों डायोड है, यहाँ पर देखो 9.6 वोल्ट है, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है दोनों डायोड को, ठीक है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए 9.6 वोल्ट है, इधर भी 9.6 वोल्ट है, दोनों पैरेलली कनेक्ट है, ये पावर सप्लाई से आउटपुट हो रहा है स्टैंड बाई कंडीशन में। और इधर देखो, ये हमारा LED ड्राइवर जो है ना, बैकलाइट ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज फर्स्ट टाइम जनरेट होगा स्टैंड बाई कंडीशन में। ये जो हमारा मेन पीसीबी को स्टार्टअप करेगा, ये 9.6 वोल्टेज देखिए, सबसे पहले आपको इस जो कॉयल है, इस कॉयल में यहाँ पर 9.6 वोल्टेज इनपुट होगा, आप देख पाएंगे, ठीक है, इनपुट है, और इस कॉयल का माध्यम से क्या वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, 0.926 वोल्ट, ओके। और देखिए ये जो कॉयल है, इस कॉयल का माध्यम से 5.12 वोल्टेज इनपुट होगा, और इसमें 9.6 वोल्टेज ही, सॉरी 9.6 वोल्ट जो है यह वाला, वो यहाँ पर इनपुट होगा, ओके। ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट कहाँ पर जाएंगे, इधर आ जाइए, देखिए सॉरी, ये 5 वोल्ट इधर इनपुट हो रहा है इस IC का अंदर, इस कॉयल का माध्यम से क्या वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, 3.3 वोल्टेज, ओके। तो बाकी जो सब सारी कॉयल है, कहाँ पर कुछ वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, ये तीनों वोल्टेज, यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर 0.926 वोल्ट, और यहाँ पर 3.3 वोल्ट, ये तीन वोल्टेज आपको प्रेजेंट होना चाहिए, तब भी स्टैंड बाई कंडीशन में रेडी होगा। उसका बाद आप प्रेस करेंगे, ये स्टैंड बाई स्विच स्टैंड बाई रिलीज होगा। तो कोई कहाँ पर कुछ वोल्टेज, देखिए इधर देखो कुछ वोल्टेज नहीं है, इस कॉयल में देखो कुछ वोल्टेज नहीं है, इधर देखो कुछ वोल्टेज नहीं है, जहाँ पर देखिए जितना कॉयल है कुछ वोल्टेज नहीं है। तो मैं इसको स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ, देखिए स्टैंड बाई रिलीज किया, देखिए स्टैंड बाई रिलीज करने का MI का जो सिस्टम है वो ऐसा ही होगा, देखिए लाइट ब्लिंक होगा थोड़ा, देखिए स्टार्ट हुआ ना, स्टैंड बाय रिलीज हो रहा है, उसका टाइम अब देखो, इधर देखो इस कॉयल में देखो, सबसे पहले क्या वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज है, इस कॉयल में क्या वोल्टेज है, इस कॉयल में क्या वोल्टेज, 1.150, ठीक है। तो इसका बाद और एक फीचर्स देख लीजिए, ये जो डायोड है यहाँ पर क्या वोल्टेज देख रहा था सबसे पहले, अभी क्या है देखो 12 वोल्ट आ गया, पहले क्या था 9.6, दोनों में है, ये तो पैरेलली कनेक्ट है दोनों, ठीक है। और ये जो ड्राइवर सप्लाई है वहाँ पर क्या वोल्टेज देखा था, अभी क्या वोल्टेज है देख लीजिए एक बार, 57.85, ओके, ये देखा दिया। तो जो हमारा 9.6 वोल्ट था वो सब 12 वोल्ट हो गया, यहाँ से वोल्टेज आउटपुट हो गया, यहाँ से वोल्टेज देख लिया, और इधर देखो इस कॉयल में देखिए 1.5 वोल्ट, ये हमारा रैम सप्लाई है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक MOSFET लगा है, यहाँ पर 5 वोल्ट, ये जो 5 वोल्ट है ना, ये 5 वोल्ट यहाँ पर रहेंगे, स्टैंड में रिलीज होने के बाद यह से आउटपुट हो जाएगा, देखिए आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर 3118 IC यूज़ किया है, 3118 IC का वर्किंग आप जानता है तो आपको नॉलेज मिलेगा, नहीं तो हमारा इसका बारे डिटेल्स वीडियो में अपलोड करके रखा है, आप देख सकता है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज इनपुट होगा, ये 3.3 वोल्ट, सॉरी
3.3 वोल्ट इनपुट है और यह पर भी 5 वोल्ट इनपुट होगा, ठीक है, और यह से वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा, देखिए 3.3 वोल्ट, और इधर भी देखो, कुछ वोल्टेज तो आउटपुट होगा रे भाई, देखिए 1.8 वोल्टेज, ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों, वोल्टेज आउटपुट हो गया, और यह पर भी एक आईसी लगा हुआ है, यहाँ से एक वोल्टेज आउटपुट होगा, वो 1 point something वोल्टेज, वो मैं ओपन नहीं किया आपको, नहीं, और देखो यह पर भी एक आईसी लगा है, यहाँ पर भी आपको वोल्टेज मिलेंगे, देखिए यह पर कितना वोल्टेज है, 0.756, और यह पर कितना है, 1.5, और यह पर कितना है, 5.1, ये जो 5.1 वोल्टेज का वो यहाँ पर आएंगे, देखिए स्टैंड में रिलीज होने के बाद वो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा, ओके, और इधर देखो 3.3 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट, ये वाला 3.3 वोल्ट याद रखिए, और यहाँ से ये वोल्टेज है, यहाँ से 0.75 और यहाँ से 0.763, ठीक है, ऐसा ही वोल्टेज रहेगा, और ये हमारा पैनल VCC है 12 वोल्ट, ये ऐसा आउटपुट हो जाएगा। तो इसका स्टार्टअप सीक्वेंस इतना ही है, और ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर है, ये बैकलाइट ड्राइवर का जो डायोड है, डायोड कॉइल, ये हमारा डायोड है, ये हमारा ड्राइवर IC है, ठीक है, और मीटर पॉप एक बार दीजिए, देखिए इसको बैकलाइट में कितना वोल्ट में ग्लो हो रहा है वो भी एक बार आप देख लीजिए, देखिए बैकलाइट कितना वोल्ट में ग्लो हो रहा है एक बार देख लीजिए, नाइन्टी वोल्टेज, ठीक है, कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें वो सप्लाई इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो जो PFC वाला सर्किट में, यहाँ पर देखो PFC में सर्किट में देख लीजिए कितना वोल्टेज है, 392 वोल्टेज, ओके। तो दोस्तों ये स्मॉल नॉलेज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और स्किल डेवलप करना चाहता है तो हमारा जो नंबर है इस नंबर में कांटेक्ट कर सकता है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।